नमस्ते वे चिल्ड्रन, इससे पहले वाले वीडियो से आगे की कविता का एक्सप्लेनेशन। उजरी, उजरी उसकी गाय का नाम था। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी जो उसकी गाय थी वो किसान के अलावा और किसी को दूध दुहने नहीं देती थी। मीन्स किसान उसे इतना प्यार करता था कि किसान के अलावा वह और किसी को अपना दूध दुहने नहीं देती थी। आह, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। और आज भी जो उसकी सुख की खेती थी, जब उसका सुख का समय था, आज भी उस किसान के आँखों के सामने प्रत्यक्ष हो उठती है ऐसा सुख का समय जो अब उजड़ गया है। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी मिस घरवाली, स्वर्ग चली आँखें आती भर। और उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह अपनी पत्नी का इलाज कर पाता। बिना दवा के ही उसकी पत्नी स्वर्ग चली गई, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। आँखें आती भर देख देख के बिना दूध मुही बिटिया, दो दिन बाद गई मर। और देख रेख के बिना मीन्स उसका कोई देखने वाला नहीं था, उसकी कोई केयर करने वाला नहीं था, इसीलिए उसकी दूध मुही बेटी मीन्स ऐसी बच्ची जो माँ का दूध पीती थी वो भी दो दिन के बाद मर गई। और यह सब सोच करके कभी किसान की आंखें भर आती हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू कहते हैं पुत्रवधू को। उसका उसके बेटे को जमींदारों के आदमियों ने मार दिया था, तो उसी की पत्नी, उसकी विधवा पत्नी लक्ष्मी थी। यद्यपि पति घातिन, हालांकि वो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी के समान सुशील थी, लेकिन समाज के लोग उसे पति घातिन, पति की हत्या करने वाली या पति की हत्यारिन कहते थे। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। और जब कोतवाल ने उसको बुलवाया उसके ऊपर अत्याचार करने के लिए, तो वो उसने कुएं में डूब करके आत्महत्या कर ली। इस समाज में इस प्रकार का अत्याचार होता था। खैर, पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। यहाँ पर पत्नी, जोरू मिस पत्नी, पत्नी की तुलना एक पैर की जूती के साथ की गई है कि यदि एक पैर की जूती खराब हो जाए तो उसको तो बदल कर दूसरी आ जाए। मीन्स प्राचीन समय में पत्नी को इस तरह से समझा जाता था। जब समाजों में पुरुषों का वर्चस्व था तो लोग स्त्रियों को कोई सम्मान नहीं देते थे, इसीलिए यहाँ पर पत्नी को जोरू मिस पत्नी को पैर की जूती से कंपेयर किया है। खैर, पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। यदि एक नहीं है, एक का स्वर्गवास हो गया है, तो वो दूसरी शादी कर लेता। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लोटते फटती छाती। लेकिन जवान लड़के की मृत्यु को याद करके उसकी छाती फटती, मीन्स उसको इतना ज़्यादा दुख होता कि लगता था कि दुख से उसकी छाती फट जाएगी। मीन्स असहनीय दुख उसे महसूस होता। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। जब वह पिछले सुख के बारे में याद करता तो एक क्षण के लिए तो उसकी आँखों में एक चमक आ जाती। उस समय वो अपना वर्तमान भूल जाता और अतीत के सुख में खो जाता। तब वह एक क्षण के लिए अब थोड़ा सा सुखी हो जाता, किंतु तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन तीखी नोक सदस्य बन जाती। लेकिन तभी
तुरंत उसी समय शून्य में गढ़ वह चितवन, वह उसकी नज़र एक तीखी नोक के समान उसको आँख में चुभ जाती। कहने का मतलब क्या, पुरानी स्मृतियाँ उसके आँखों में एक तीखी नोक के समान चुभ करके और उसको दुख देती। सो स्टूडेंट्स, ये जैसा कि आपने समझा किसानों के दुखमय जीवन के बारे में है, तो ये सोचनीय विषय है। समाज को इनके विषय में सोचना चाहिए कि जो किसान वर्ग दिन रात मेहनत करके और संपूर्ण जगत का पेट भरता है, यदि उनकी स्थिति इतनी ही ख़राब रही तो एक दिन धीरे धीरे करके ऐसा होगा कि लोग खेती का काम छोड़ करके और दूसरे कामों की तरफ आएंगे। उस समय की स्थिति बहुत ही भयानक होगी, क्योंकि उस समय फिर परिश्रम करके अनाज पैदा करने वाला बहुत कम होंगे या नहीं होंगे, उस समय की स्थिति बहुत ही भयानक होगी। सो समाज को चाहिए, सरकार को चाहिए कि किसानों के हित में फैसले लिए जाएं, उनके हित में कुछ कानून बनाए जाएं। नमो शिवाय।